श्री गुरुभ्यो नमः संस्कृत कक्षायाम भवताम भवतीनांच स्वागतम अद्यवयम सुभाषितानि अस्य पाठस्य अवशिष्टानि पद्यानि पठामः यथा स्मर्यते यत पंच श्लोकाः पठिताः संप्रति अनुस्मरामः गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाह सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनश्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः यहां तक हमने पढ़ा हमें ये श्लोक स्मरण भी है इसके आगे हम आज पढ़ते हैं आज का पद्य है पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवलकल दारुभि धन्या महीरुहा महिरुहा यान्ति याथिन इस श्लोक का हम अन्वय देखते हैं और पदच्छेद करते हैं उसके पश्चात अर्थ की चर्चा करेंगे महीरुहा धन्या महीरुह पद का अर्थ होता है वृक्ष मही किमर्थम तो बताते हैं आगे पुष्प पत्र फल क्षाया मूल वलकल दारुभि ये पूरा समस्त पद है समास किया गया है द्वंद्व समास हुआ है और समास जब होता है पदों में तो वो अलग अलग दो चार दस जितने भी पद हों दो से अधिक होने पे हम उनको कंप्रेस करके जोड़ देते हैं विभक्तियों को हटा करके एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक विभक्ति करते हैं तो यहाँ पर पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल और दारू इन सभी पदों का समास किया गया द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास करके तृतीय विभक्ति का बहुवचन दारू ही ये रखा गया है आगे कहते हैं अर्थिन शाम विमुखम यान्ति वृक्ष धन्य है क्यों धन्य है तो कहते हैं यमुखम अर्थिन यान्ति जिनसे अर्थी अर्थिन अर्थात अर्थयते कामयते इति अर्थी जो कामना करने वाला व्यक्ति होता है विद्याम अर्थयते कामयते इति विद्यार्थी वैसे ही अर्थिनह का तात्पर्य यहाँ पे जो अपनी कामना रखने वाला व्यक्ति है तो अर्थिन्ह बहुवचन का प्रयोग किया वृक्ष एक ऐसा प्राणी है जिसका हम जड़ से लेकर फल तक सब कुछ सर्वस्व ले लेते हैं और सर्वस्व लेने के साथ साथ हम इन्हें अगर कुछ ना दें तो हमसे बढ़कर स्वार्थी कुछ कोई नहीं हो सकता इसलिए वृक्षों की भी सेवा हमें करनी चाहिए इन वृक्षों में मनुष्य के प्राण वसते हैं और न केवल मनुष्य के अपितु तो सभी प्राणियों के प्राण वसते हैं क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं प्राणवायु देते हैं तो यह इस श्लोक का तात्पर्यार्थ है हम अगला श्लोक देखते हैं चिंतनीया विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नकूपखनम युक्त प्रदीप्ते वह निना गृह यह भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पहले हम अन्वय देखते हैं और फिर इसके अर्थ पर चर्चा करेंगे इसका अन्वय इस प्रकार से होता है विपदाम एव प्रतिक्रिया चिंतनी यही तो हि गृहे वहनीना प्रदीप्ते कूपखननम न अब हम इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं और एक एक पद को लेकर भी अर्थ पर विचार करते हैं विपदाम विषय विषय पद यहाँ नहीं है हमें लाना पड़ेगा अर्थ की संगति के लिए जहाँ भाषित होता है किंतु उसके लिए पद नहीं होते वहां हम आक्षेप करते हैं जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कोई मोटा व्यक्ति है और कह दिया कि ये दिन में भोजन नहीं करता तो तुरंत हमारे मन में एक अर्थ अपने आप आ जाएगा कि अरे बिना भोजन के तो मोटा हो नहीं सकता स्थूल जो गुण है वो भोजन के बाद ही आएगा तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि जरूर ये रात को भोजन करता होगा तो दिन में भोजन नहीं करता लेकिन उसे देख करके हम ये कल्पना कर लेते हैं और एक अलग तुरंत एक वाक्य विचार कर लेते हैं और बोल देते हैं कि तब तो ये जरूर रात को भोजन अच्छे से कर लेता होगा इसलिए मोटा है ऐसे ही जिन अर्थों की प्रतीति उसके द्वारा ध्वनित तो होती है उन शब्दों को हम प्रयोग में ले आते हैं जैसे यहां पर विपदां विषय आदौ विपदा के विषय में कोई समस्या आने वाली अगर है तो होने वाली समस्या के विषय में हमें पहले ही विचार करना चाहिए और उस समस्या का निवारण करना चाहिए तो आदौ एवं प्रथम ही आदि का तात्पर्य सर्वप्रथम समस्या आने के पहले उस पर विचार करें उसके निदान का उसके समाधान का कारण या उपाय सोचें तो विपदाम विषय आदव एवं प्रतिक्रिया क्या करना है प्रतिक्रिया का तात्पर्य की जाने वाली क्रिया चिंतनीया अर्थात सोचें उसके विषय में चिंतन करें क्योंकि उदाहरण देते हैं यदि जैसे किसी के घर में आग लग गई हो और आग लगने के बाद ओहो हो, हो आग लग गई चलो 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 सब लोग मिलकर जल्दी से कुआं खोदो और पानी निकाल करके हम इसको बुझाएंगे तो क्या ऐसा संभव है हो नहीं सकता पहले से हमें अपने क्षेत्र में हमारा जो क्षेत्र होगा वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो पहले से जल संचय करके रखते हैं कुछ अपने पास या जहाँ बुझाने जाते हैं आग वो ऐसी जगह पे होते हैं कि जैसे जल्दी से जल्दी कहीं जल के स्रोत से संबद्ध हो जाए और फिर बुझा सके तो जल ले करके जाते हैं व्यवस्था करके रखते हैं ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं पूर्व की व्यवस्था है तो अगली पंक्ति जो हम देखते हैं उसमें यही बात कही गई है गृह वहनिना प्रदीप्ते प्रदीपते कूप खननम न अगर घर में अग्नि प्रदीप्त हो जाए भयंकर आग लग जाए तो उस समय कुआं खोदना युक्त नहीं होता युक्त नहीं होता अर्थात उचित नहीं होता हम उस समय कुआं खोदें तो उस समय मूढ़ रह जाएंगे और कर भी नहीं पाएंगे तब तक तो सब स्वाहा हो चुका होगा सब समाप्त हो चुका होगा तात्पर्य क्या हुआ निष्कर्ष इस श्लोक से यही निकलता है इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए किसी भी कार्य को या आने वाली किसी समस्या के विषय में उसका समाधान पहले से सोच कर रखना चाहिए एक वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए कि अगर कदाचित यह नहीं हुआ तो हम आगे क्या करेंगे तो अगला स्टेप हमारा ये होगा अगला कदम हमारा ये होगा हम इस कार्य को करके और पुनः लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ये हमें इस श्लोक से शिक्षा मिलती है हम इससे अपने जीवन में यह सीख सकते हैं कि आने वाली समस्याओं का या क्रियमाण आगे जो हमें किया जाने वाला कर्म है हमारे द्वारा हमारा आगे का जो कार्य है उसके विषय में पहले से सोच कर रखें और फिर कार्य करने में हम प्रवृत्त हो जाएं अर्थात समय रहते हम अपने सारे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें अब हम आगे अभ्यास के विषय में चर्चा करते हैं विद्यार्थियों आपने एक से लेकर और सात तक एक क्रम में श्लोकों को पढ़ा बहुत ही अच्छे अच्छे अर्थ वाले श्लोक हैं इनको स्मरण भी किया क्योंकि याद कर लेने के बाद हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं जो चीज़ हमें याद है अगर हमें जैसे दो का पहाड़ा याद है और दो से दस तक याद है तो कभी भी अगर नौ का नौ में गुणा करके कोई पूछता है तो हम उसे तुरंत बता सकते हैं अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे फिर हमें इस पुस्तक की सहायता लेनी पड़ेगी या किसी यंत्र के माध्यम से बताएंगे ऐसे ही इन श्लोकों को भी छोटे छोटे श्लोक हैं और बहुत बड़े अर्थ को कहने वाले हैं इनके भावार्थ जो हैं इनकी जो प्रेरणा है वो बहुत महत्वपूर्ण है तो इन्हें हमें याद कर लेना चाहिए अगर ये याद रहेंगे तो हम इनका उचित स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं दूसरे को भी बता सकते हैं और अपने जीवन में भी इनको व्यवहार में ला सकते हैं हम अभी पुस्तक देखते हैं इनके जो कठिन शब्द हैं वो शब्दार्थ के अंतर्गत पुस्तक में रखे हुए हैं उनको हम अंग्रेज़ी और हिंदी में भी देखकर समझ सकते हैं और जो समझ में नहीं आता उसे अपने अध्यापक से पूछ भी सकते हैं अभी हम सामने देखेंगे चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभ्यास करना है सबसे पहले श्लोकान से श्लोकानशेषु रिक्त स्थानी पूरयत यह पाठ्यपुस्तक में भी दिया हुआ है पुस्तक से अपने कापी पर लिखें और लिखने का अभ्यास करें सबसे पहले हम देखते हैं पहली पंक्ति क्या है समुद्र उसके आगे रिक्त स्थान लिखा हुआ है दाट, दाट, दाट। चिन्ह बने हैं शून्य वहां पे हमें लिखना है जब हमें श्लोक याद होगा तो हम इसे लिख पाएंगे क्या लिखेंगे समुद्रमासाद्य भवंत भवंती वंत्य इसी तरह आगे के क्रम में भी वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती इसके पहले हमें श्रुत्वा लाना पड़ेगा समसजना नाम लाना पड़ेगा तो पीछे जो हमने श्लोक पढ़ा है उन श्लोकों की पंक्तियों को हम यहाँ पर लिख करके और वाक्यांशों को पूरा करेंगे एक तो हुआ इस प्रकार का अभ्यास इसके अतिरिक्त हम दूसरे प्रकार का भी अभ्यास देख सकते हैं जैसे प्रश्नानाम नाम उत्तराणी एक पदे न लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए व्यसनी न किम नश्यति जो व्यसनी व्यक्ति है उसका क्या नष्ट होता है तो पीछे हमने पढ़ा था व्यसनि न किम नश्यति वहां श्लोक में था विद्या व्यसनि न तो हम यहां लिखेंगे विद्यालम विद्या फलम विद्या नश्यति ये पूरा वाक्य हो जाएगा इसी तरह दूसरा पद्य क्या है दूसरा प्रश्न क्या है कस्य यश नश्यति किसके यश का नाश होता है तो उसी श्लोक में पीछे भी आ, पीछे आया था पूरा श्लोक देखेंगे तो हम इसका उत्तर दे पाएंगे इसी तरह मधुमक्षिका किम जनयति मधुमक्षिका क्या करती है क्या उत्पन्न करती है इसका भी उत्तर उसी श्लोक में है जब श्लोक को पढ़ेंगे तो मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है ये हम श्लोक के सेंटेंस से समझ सकते हैं श्लोक है माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिका सौ अर्थात जो मधुमक्खी है वो सदा माधुर्य गुणयुक्त मधु को उत्पन्न करती है इसी तरह मधुर सूक्त रसम के सृजंती मधुर सूक्त रस कौन उत्पन्न करते हैं तो इसका भी उत्तर श्लोक की अंतिम पंक्ति में है श्रुवावच मधुर सूक्त रसम सृजंती के सृजंती संत संत लोग सृजन करते हैं मधुर रस का दुर्जन जो हैं वह सृजन नहीं करते अंतिम पंक्ति देखें अर्थी न के भय विमुखम न यान्ति। जो अर्थी हैं कामना करने वाले लोग हैं वो किनसे विमुख नहीं होते जो वृक्ष था हमने मही की चर्चा की थी कि वृक्ष अपना सर्वस्व अपने जीवन का सब कुछ हमें दे देता है तो वृक्ष कभी किसी को निराश नहीं करता प्राणवायु जीने के लिए देता है व्यवहार के लिए जड़ से लेकर के और फल तक का सब कुछ उसका जो शरीर का अवयव है वो दे देता है तो इसका उत्तर होगा वृक्षाह अथवा महींहाहा जो महीरुह हैं उनसे कोई भी लौटता नहीं है, लौट नहीं पाता है अर्थात वो उनके पास जाएं और हम कामना करें और खाली हाथ लौटाएँ ऐसा नहीं होता वो हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं तो इस तरह से हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है प्रश्न के उत्तरों का अभ्यास करना है अगला अभ्यास हम देख रहे हैं शब्द हैं अधोलिखित तद्भव शब्दा कृते पाठाचित्वा संस्कृत दानी लिखत जैसे कंजूस आगे लिखा है कृपण ये तद्भव शब्द हैं अर्थात उनसे उत्पन्न या तत्सम शब्द का भी प्रयोग हो सकता है उनके समान तदर्थक जो शब्द होंगे तो हिंदी भाषा में प्रयोग होता है कंजूस और संस्कृत में कृपण पद आगे दिए गए हैं उन्हें भी हमें लिखना है जैसे कड़वा पीछे श्लोकों में हमने कड़वा के लिए शब्द पढ़ा कटु तो हमें यहाँ पे कटु या कटुक कटु यह भी हम कर सकते हैं अगला पद है पूछ जो पशुओं के गाय की पूँछ होती है तो वही पूंछ उसके लिए यहाँ पे शब्द दिया गया है पुच्छ अगला पद है लोभी लोभी के लिए श्लोक में प्रयोग किया गया था लुब्ध नश्यति यश जो लोभी है उसका यश नष्ट होता है तो लोभी लोभी के लिए लुब्ध यह प्रयोग होगा अगला पद है मधुमक्खी मधुमक्खी के लिए मधुमक्खी का यह हम रिक्त स्थान में लिखेंगे इसी तरह अगला पद है तिनका तिनका अर्थात जो घास है उसका छोटा सा अंश वह तिनका होता है तो तिनका को हमने लिखा पढ़ा था तृण त्रेड़। तो तृणम इस प्रकार से हमें अलग अलग पदों के अर्थों को भी समझना चाहिए संस्कृत और उसके साथ साथ जो आपकी भाषा है आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा में उस शब्द का क्या अर्थ है किस अर्थ में प्रयोग होता है ये दोनों का हमें मिला करके के अभ्यास करना चाहिए इससे समझ में भी अच्छे से आएगा और वह स्थाई ज्ञान होगा वो दृढ़ ज्ञान होगा जो अधिक समय तक हम व्यवहार में ला पाएंगे इसी क्रम में हम अगला अभ्यास देखते हैं अधोलिखितशु वाक्यशु कर्तृपदम क्रियापदम चित्वा लिखत हम देख रहे हैं सबसे पहले वाक्यानि हैं उसके बाद कर्ता उसके बाद क्रिया ये हमें क्रम से रखना है और उसमें से चुनना है छांट करके लेना है ठीक है तो हम सबसे पहले वाक्य देखते हैं संत मधुर सूक्त रसम सृजंती ये उदाहरण के लिए है तो संत ये करता है सृजंती क्रिया है ऐसे ही हमें अगले वाक्यों से छांटकर लिखना है जरा देखते हैं निर्गुणम प्राप्य दोषा तो यहाँ पर भी निर्गुण प्राप्य दोषा दोषा कर्ता क्रिया है ठीक है आगे देखते हैं गुण जु गुणा गुणा कर्ता है क्रिया है अगला पद्य देखते हैं मधुमक्षिका मधुम्क्षिकाधुर्य जनए मधुमक्षिका कर्ता है और जनयत क्रिया है अगले पद्य में पिष्णुस्य मैत्री यश नाशयति पिशुन की जो मैत्री है वो पिशुन की मैत्री यश को नष्ट करने वाली होती है तो यहाँ पे पिशुन से मैत्री यश नाशयति। तो मैत्री करता है और नाशयति क्रिया है आगे नद्य समुद्र आसाद्य अपेय तो नद्य अपे नद्य कर्ता है और बवती क्रिया है इस प्रकार से हमें वाक्यों का अभ्यास करना है उसके बाद एक अभ्यास हम और देख रहे हैं सामने रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत जैसे गुणा गुण जु गुणा तो यहाँ पर के गुणग्सु कव इस तरह हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं नद्य तो, तो का सुस्वादु तो नद्य सुस्वादु तो मधुम्क्षिका मधुर्य जनयति का मधुर्य जनयति मधुमक्षिका जनयती जनयति मधुमक्षि लुब्धस्य यश नश्यति जो लुब्ध है उसका यश नष्ट होता है कस्य यश नश्यति उत्तर होगा लुब्धस्य यश नश्यति अंतिम पंक्ति है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः प्रश्न बनेगा कस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों के साथ भी अभ्यास करना चाहिए और लिखने का भी बोलने का भी ठीक है तो इस प्रकार से हमने इस सुभाषितानी नामक पाठ को पढ़ा अगले पाठ को हम अगले क्रम में पढ़ेंगे धन्यवाद